आज हम लोग मोबाइल से रिलेटेड कोई टिप्स सीखना चाह रहे हैं, क्या सीखना है हम लोग को? स्पीड डायल के बारे में आप सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो आज जान लेंगे हम लोग स्पीड डायल क्या होता है। मोबाइल में एक फंक्शन होता है स्पीड डायल, स्पीड डायल को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कम समय में बिना नंबर को सर्च किए किसी का भी नंबर हम कैसे डायल करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवीन कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मोबाइल और कंप्यूटर कोर्स को हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, बगल में आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रहा है कि कैसे हम अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं स्पीड डायल को। सबसे पहले आपको जाना होगा कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपको जाना होगा पर्सनल में, पर्सनल में जाने के बाद हमारे सामने देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड डायल का फंक्शन दिया, स्पीड डायल में चले जाएंगे। स्पीड डायल में जाने के बाद देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से रिलेटेड यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है कि किसी भी नंबर को आप क्लिक टू ऐड कर सकते हैं। किसी के भी नंबर को डायल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसमें आपको उस बटन को प्रेस करके रखना है, कुछ देर तक उसका कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपको डायल करने के लिए उसका नंबर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। हम अगर मान लीजिए 5 से किसी का नंबर को डायल करना चाहते हैं तो सिंपली 5 में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया। इसमें से जिसका भी नंबर को आप ऐड करना चाहते हो उसके नंबर को यहाँ पर सर्च कीजिए, हम आपके सामने करके दिखाते हैं। नंबर को सर्च करने के बाद देख सकते हैं कि 5 आपका ऐड हो चुका है। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली 5 को अगर हम प्रेस करके रखें अपने मोबाइल में तो वो नंबर डायल हो गया। देख सकते हैं आप, इसको दिखाते हैं आपको करके। सिंपली कॉन्टैक्ट में चले गए हम नंबर डायल में और 5 को हम प्रेस करके रख रहे हैं और देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आ गया कि किस सिम से लगाना है। जैसे हम टच करेंगे, डायल करेंगे तो देखिए उस नंबर ऑटोमेटिक वो नंबर डायल हो चुका है। दोस्तों, एक बार फिर से दिखाते हैं आपको हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। सबसे पहले कॉन्टैक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल, पर्सनल में चले जाइए। पर्सनल में जाने के बाद आपको स्पीड डायल का फंक्शन, उसमें जाने के बाद इसमें से कोई भी, जैसे 5 से हमारा पहले से ऐड है, हम चलते हैं 2 की ओर, 2 को प्रेस करते हैं तो 2 में जाने के बाद यहाँ पे बोलता है कौन सा कॉन्टैक्ट को आप ऐड करना चाहते हैं, जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं, चलिए ए नाम से कॉन्टैक्ट, इसको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे आपके सामने देख सकते हैं, ए से आ चुका है, 2 प्रेस करेंगे हम तो ए नाम का कॉन्टैक्ट हमारा डायल हो जाएगा। चलिए बैक करके दिखाते हैं, यहाँ पे चले गए डायल में, 2 को प्रेस कर रहे हैं, डायल नंबर आ गया किस सिम से डायल करना चाहते हैं। जैसे टच करते हैं हम, ए नंबर डायल हो चुका है हमारा। ये हमारा था स्पीड डायल। स्पीड डायल हमको विश्वास है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया स्पीड डायल क्या होता है, आप भी बहुत आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।